फ्रेंड्स, आप सबको फिर से कनाडा क्लास में स्वागत है। तो आज कुछ वर्ड्स टू सेंटेंसेस सीखते हैं। तो आपसे बोला जाएगा काम करो, खाना खाओ, पढ़ाई करो, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ठीक है। तो ठीक है उसको कनाडा में सरी करके बोलते हैं। तो ठीक है उसको सरी, वही ठीक से उसको सरियागी बोलते हैं। तो ठीक से सरियागी, तो ठीक से जाओ तो सरियागी होगो बोलते हैं। ठीक से जाओ सरियागी होगो, वही ठीक से जाइए, आप आदर से बोल रहे हैं, तो ठीक से जाइए सरियागी होगी। वही ठीक से रहो उसको सरियागी इरु बोलते हैं। तो ठीक से रहो सरियागी इरु, वही आदर से बोलना है, तो ठीक से रहिए उसको सरियागी इरी करके बोलते हैं। तो ठीक से रहिए सरियागी इरी, तो ठीक है सरी, ठीक से जाओ सरियागी होगो, ठीक से जाइए सरियागी होगी, ठीक से रहो सरियागी इरु, ठीक से रहिए सरियागी इरी करके बोलते हैं। तो संभल कर जाओ, तो संभल कर जाओ तो बोल रहे गो केयरफुली, उसको कनाडा में क्या बोलते हैं? तो संभल कर उसको एच्चरी के इंदा बोलते हैं। तो संभल कर एच्चरी के इंदा, तो जाओ होगो, तो संभल कर जाओ एच्चरी के इंदा होगो बोलते हैं। तो ये संभल कर रहो उसको एच्चरिके इंदा इरु करके बोलते हैं। तो संभल कर रहो उसको एच्चरिके इंदा इरु, तो संभल कर जाओ एच्चरिके इंदा होगो, तो संभल कर रहो एच्चरिके इंदा इरु। तो इधर संभल कर उसको एच्चरिके इंदा करके बोलते हैं। तो संभल कर जाओ एच्चरिके इंदा होगो, वही आप आदर से बोल रहे हैं, तो संभल कर जाइए उसको एच्चरिके इंदा होगी करके बोलते हैं। तो संभल कर रहो उसको एच्चरिकेयिंद इरु, वही आदर से बोलेंगे, संभल कर रहिए उसको एच्चरिकेयिंद इरी करके बोलते हैं। तो ध्यान, ध्यान को गमना करके बोलते हैं। तो ध्यान को गमना, अभी ध्यान से सुनो उसको बोलेंगे गमना विट्टु खेलु करके बोलते हैं। ध्यान से सुनो गमना विट्टु खेलु, वही आप बोलना चाहेंगे ध्यान से देखो उसको गमना विट्टु नोडु बोलते हैं। ध्यान से देखो गमना विट्टु नोडु, वो ध्यान से सुनो गमना विट्टु खेलु, वही ध्यान से सुनिए उसको गमना विट्टु खेली करके बोलते हैं। वही ध्यान से देखो तो गमना विट्टु नोडु, वही ध्यान से देखिए गमना विट्टु नोडी करके बोलते हैं। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या को एनु हुआ आयतु, तो क्या हुआ एनु आयतु उसको हम छोटा करके बोलते हैं एन आयतु। तो क्या हुआ एन आयतु, तो आप क्या उत्तर देंगे? कुछ नहीं हुआ, आप बोल रहे कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ उसको कनाडा में एनु आगिल्ला करके बोलते हैं। तो क्या हुआ एन आयतु, तो कुछ नहीं हुआ एनु आगिल्ला। तो सच में, तो निजवागलु, तो सच में उसको कनाडा में निजवागलु भी बोलते हैं, निजवागियु बोलते हैं, आप निजवागियु भी बोल सकते हैं, नहीं तो निजवागलु भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ एन आयतु, कुछ नहीं हुआ एनु आगिल्ला, तो ये सच में निजवागलु। तो है क्या, तो है क्या उसको इदेया करके बोलते हैं। तो कोई वस्तु या चीज है क्या उसको कनाडा में इदेया करके बोलते हैं। ये इदेया तो वस्तु या चीज के लिए होता है। तो कनाडा भाषा में तो तीन लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो जो भी ह्यूमन बींग्स है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आते हैं और बाकी सब नपुंसक लिंग में आते हैं। अभी पूछना चाहेंगे पेन है क्या, तो पेन तो वस्तु या चीज हो गया, तो इसलिए इधर इदेया करके प्रयोग होता है। तो वस्तु या चीज के लिए इदेया करके बोलते हैं। तो है क्या इदेया, अभी पेन है क्या, तो बोलेंगे पेन्नु इदेया करके बोलते हैं। तो इद्दाना, तो पुल्लिंग एकवचन में इद्दाना करके बोलते हैं। तो आप पूछना चाहेंगे रमेश है क्या, तो रमेश है क्या उसको कनाडा में रमेश इद्दाना करके बोलते हैं। तो इद्दाना ये पुल्लिंग एकवचन में बोलते हैं। तो इद्दाला ये स्त्रीलिंग एकवचन में बोलते हैं, इद्दाला स्त्रीलिंग एकवचन में। आप पूछना चाहेंगे गीता है क्या, तो गीता इद्दाला करके बोलते हैं। तो इदेया ये वस्तु चीज के लिए होता है, जैसे पेन है क्या पूछेंगे पेन्नु इदेया करके बोलते हैं। तो इद्दाना ये पुल्लिंग एकवचन में होता है, जैसे रमेश है क्या, तो बोलेंगे रमेश इद्दाना करके पूछते हैं। तो वही इद्दाला ये स्त्रीलिंग एकवचन में होता है, तो गीता है क्या उसको कनाडा में गीता इद्दाला करके बोलते हैं। सो इदेया ये वस्तु या चीज के लिए पूछते हैं, इद्दाना पुल्लिंग एकवचन में पूछते हैं, वही इद्दाला स्त्रीलिंग एकवचन में बोलते हैं। और है क्या,
तो है क्या? आप आदर से पूछना चाहेंगे या आप बहुवचन में पूछना चाहेंगे? तो है क्या, उसको इदारा करके बोलते हैं। तो है क्या इदारा, जैसे आप पूछना चाहेंगे पापा है क्या, तो कन्नड़ा में अप्पा इदारा, तो पापा उनको हम आदर से पूछ रहे हैं, तो इसलिए है क्या, तो पापा है क्या, तो उसको कन्नड़ा में अप्पा इदारा करके बोलते हैं। तो पापा को अप्पा बोलते हैं, तो पापा है क्या, तो अप्पा इदारा करके बोलते हैं। तो है क्या, तो इदेया ये वस्तु चीज के लिए पूछते हैं, जैसा पेन है क्या, तो बोलेंगे पेन्नु इदेया, ये इदाना ये पुल्लिंग एकवचन में पूछते हैं, जैसे रमेश है क्या, उसको रमेश इदाना करके बोलते हैं। वही इदाला वो स्त्रीलिंग एकवचन में बोलते हैं, जैसे गीता है क्या, तो गीता इदाला करके बोलते हैं। इधर है क्या, इसको बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं, जैसे पापा है क्या, तो बोलेंगे अप्पा इदारा करके बोलते हैं। तो ये सब तो प्रश्न हो गया, यदि आप उत्तर देना चाहेंगे, जैसे है क्या पेन है क्या, तो कन्नड़ा में पेन्नु इदेया बोलते हैं, तो उत्तर में क्या बोलेंगे, पेन है, उसको कन्नड़ा में पेन्नु इदे करके बोलते हैं। तो पेन है क्या, तो पेन्नु इदेया, पेन है तो पेन्नु इदे करके बोलते हैं, जो इदे ये वस्तु चीज के लिए होता है। तो पेन है क्या, पेन्नु इदे या पेन है, तो पेन्नु इदे करके बोलते हैं। अभी इदाना, तो रमेश है क्या, तो रमेश इदाना, आप उत्तर में बोलेंगे रमेश है, तो रमेश इदाने करके बोलते हैं। जो इदाना इसको प्रश्न पूछते समय पूछते हैं, वही इदाने ये उत्तर देते समय बोलते हैं। तो रमेश है क्या, तो बोलेंगे रमेश इदाना, रमेश है तो बोलेंगे रमेश इदाने करके बोलते हैं। अब इदाला तो पूछेंगे गीता है क्या, तो गीता इदाला, तो उत्तर में क्या बोलेंगे, गीता है, तो कन्नड़ा में गीता इदाले करके बोलते हैं। तो इदाला ये प्रश्न पूछते समय हो गया, वही इदाले उत्तर देते समय बोलते हैं। तो उसी तरह इदारा, अभी पूछेंगे पापा है क्या, तो क्या बोलते हैं, अप्पा इदारा, आप उत्तर में बोलेंगे पापा है, तो बोलेंगे अप्पा इदारे करके आप उत्तर में बोलेंगे। तो पापा है क्या ये प्रश्न हो गया, अप्पा इदारा, तो आप उत्तर में क्या बोलेंगे, पापा है, तो कन्नड़ा में बोलेंगे अप्पा इदारे करके बोलते हैं। तो अभी 1 मिनट, तो 1 मिनट करके बोलते हैं, 1 मिनट, उसको कन्नड़ा में ओंदु निमिषा बोलते हैं। तो एक ओंदु मिनट निमिषा, तो 1 मिनट उसको ओंदु निमिषा बोलते हैं। तो 1 मिनट रुको बोल रहे, 1 मिनट रुको, तो ओंदु निमिष निल्लु बोलते हैं, ओंदु निमिष निल्लु अथवा ओंदु निमिष निंतुको करके बोलते हैं। तो 1 मिनट रुको, ओंदु निमिष निल्लु अथवा ओंदु निमिष निंतुको बोलते हैं। यदि आदर से बोलना है तो क्या बोलेंगे, 1 मिनट रुकिए, उसको ओंदु निमिष निल्ली अथवा निंतुकोली करके बोलते हैं। तो 1 मिनट रुको, ओंदु निमिष निल्लु अथवा ओंदु निमिष निंतुको, तो 1 मिनट रुकिए, उसको ओंदु निमिष निल्ली अथवा ओंदु निमिष निंतुकोली करके बोलते हैं। तो 1 मिनट रहो, तो बोल रहे 1 मिनट रहो, तो 1 मिनट ओंदु निमिष रहो इरु, तो 1 मिनट रहो ओंदु निमिष इरु बोलते हैं। वही 1 मिनट रहिए ओंदु निमिष इरी करके बोलते हैं। तो इधर रहिए उसको इरी बोलते हैं, तो 1 मिनट रहिए उसको ओंदु निमिष इरी करके बोलते हैं। तो एक काम करो, तो एक काम करो, तो एक ओंदु काम खेलसा करो माडू, तो एक काम करो तो बोलेंगे ओंदु केलसा माडू बोलते हैं। वही एक काम करोगे पूछ रहे हैं, एक काम करोगे तो ओंदु केलसा मारतीया करके बोलते हैं। तो एक काम करोगे ओंदु केलसा मारतीया, तो इस तरह, तो इस तरह, तो इस तरह कन्नड़ा में ई रीति अथवा ई तरह करके बोलते हैं। तो इस तरह उसको कन्नड़ा में ई रीति अथवा ई तरह, तो हिंदी में तरह, तो कन्नड़ा में तरह करके बोलते हैं। तो तरह तरह, तो इस तरह इसको ई रीति बोलते हैं, नहीं तो ई तरह भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह ई रीति अथवा ई तरह करके बोलते हैं। तो उसी तरह उस तरह, तो उसको आ रीति अथवा आ तरह, तो उस तरह आ रीति अथवा आ तरह करके बोलते हैं। तो इस तरह करो, तो इस तरह करो, तो इस तरह ई रीति अथवा ई तरह करो माडू, तो इस तरह करो ई रीति माडू अथवा ई तरह माडू बोलते हैं। तो उस तरह करो, तो आ रीति माडू अथवा आ तरह माडू बोलते हैं। तो इसी तरह करो बोल रहे, इसी तरह करो, तो इसी तरह उसको कन्नड़ा में इदे रीति बोलते हैं। इधर इसी उसको इदे करके बोलते हैं।
तो इसी तरह तो इदे रीति अथवा इदे तरह करो माडु, तो इसी तरह करो, इदे रीति माडु अथवा इदे तरह माडु। तो कोई भी चीज आपको करने के लिए बोल रहे इसी तरह करो, तो कन्नड़ में इदे रीति माडु अथवा इदे तरह माडु बोलते हैं। तो उसी तरह करो उसको अदे रीति, इधर उसी उसको अदे करके बोलते हैं, तो उसी तरह अदे रीति अथवा अदे तरह, तो करो माडु, तो उसी तरह करो अदे रीति माडु अथवा अदे तरह माडु करके बोलते हैं। तो ऐसा करो, तो बोल रहे कि ऐसा करो, तो ऐसा करो हीगे माडु करके बोलते हैं। तो कोई भी चीज आप बोल रहे ऐसा करो तो उसको हीगे माडु बोलते हैं, वही वैसा करो उसको हागे माडु बोलते हैं, वैसा करो हागे माडु। तो ऐसा करो हीगे माडु, वैसा करो हागे माडु, तो ऐसा ही करो इसको हीगे माडु बोलते हैं। ऐसा ही करो, तो कोई भी चीज बोल रहे ऐसा ही करो तो उसको हीगे माडु, वही वैसा ही करो उसको हागे माडु बोलते हैं। तो वैसा ही करो आगे माडु, तो ऐसा करो हीगे माडु, तो ऐसा ही करो ईगे माडु, तो वैसा करो हागे माडु, तो वैसा ही करो हागे माडु करके बोलते हैं। तो बहुत को तुम्बा बोलते हैं, बहुत तुम्बा वही कम खड़ी में, कम खड़ी में, तो बहुत है तुम्बा इदे, ये बहुत तुम्बा है हिदे, तो बहुत है तुम्बा इदे वही कम है खड़ी में इदे, तो कम खड़ी में है हिदे, तो कम है खड़ी में इदे, तो बहुत कम है उसको तुम्बा खड़ी में इदे करके बोलते हैं। तो बहुत कम है तुम्बा खड़ी में इदे, तो बहुत तुम्बा कम खड़ी में, बहुत है तुम्बा इदे कम है खड़ी में इदे, तो बहुत कम है तुम्बा खड़ी में इदे बोलते हैं। फिर उदाहरण में बहुत कम पैसे हैं, बोल रहे बहुत कम पैसे हैं, तो पैसे उसको कन्नड़ में हणा अथवा दुड्डू बोलते हैं, तो पैसे को हणा अथवा दुड्डू, तो बहुत कम पैसे हैं उसको तुम्बा खड़ी में हणा अथवा दुड्डू इदे करके बोलते हैं। तो बहुत कम पैसे है तो इसको तुम्बा खड़ी में हणा इदे अथवा तुम्बा खड़ी में दुड्डू इदे करके बोलते हैं। तो बहुत कम पैसे है उसको तुम्बा खड़ी में हणा इदे अथवा तुम्बा खड़ी में दुड्डू इदे करके बोलते हैं। तो कोई भी चीज आप बोलना चाहते हैं बहुत कम है तो उसको तुम्बा खड़ी में इदे करके बोलते हैं। तो और को कन्नड़ा में मत्तू भी बोलते हैं, इन्नू भी बोलते हैं, मत्तू और इन्नू। जैसे आप बोलना चाहेंगे मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम चाहिए, तो कन्नड़ा में मुझे ननगे चॉकलेट और आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट मत्तू आइसक्रीम बेकू करके बोलते हैं। इधर और तो मत्तू करके बोलते हैं, कोई भी दो चीज को जोड़ना है तब और करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो कन्नड़ा में मत्तू करके बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में एंड है तो इधर तो मत्तू करके बोलते हैं। तो और मत्तू, मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम चाहिए, उसको ननगे चॉकलेट मत्तू आइसक्रीम बेको करके बोलते हैं। तो इन्नू भी प्रयोग होता है, तो इन्नू कब होता है, जैसे आप बोलना चाहेंगे और चाहिए, तो कोई भी चीज और चाहिए तब उसको इन्नू बेको बोलते हैं। जैसे आप बोलेंगे और पैसे चाहिए तब इन्नू दुड्डू बेको करके बोलते हैं। तो और पैसे चाहिए इन्नू दुड्डू बेको, जैसे और चॉकलेट चाहिए तो इन्नू चॉकलेट बेको करके बोलते हैं, और आइसक्रीम चाहिए तो इन्नू आइसक्रीम बेको करके बोलते हैं। तो कोई भी चीज और चाहिए जब बोलना है तो इन्नू बेको करके बोलते हैं। तो आता है आती है, तो कोई भी चीज आता है आती है अदर दैन ह्यूमन बींग्स बोलना चाहेंगे, आता है आती है उसको कन्नड़ा में बरुत्तदे, ये बरुत्तदे किताब वर्षन में हो गया, तो बरुत्ते स्पोकन में बोलते हैं। तो कोई भी चीज आता है आती है तो कन्नड़ा में बरुत्ते करके बोलते हैं। वही नहीं आता है या नहीं आती है उसको बरुदिल्ला, ये किताब वर्षन हो गया, वही स्पोकन में बरोदिल्ला अथवा बरल्ला करके बोलते हैं। तो नहीं आता है या नहीं आती है उसको बरुदिल्ला, ये किताब वर्षन हो गया, वही बरोदिल्ला अथवा बरल्ला करके स्पोकन में बोलते हैं। तो बरल्ला अथवा बरोदिल्ला भी बोल सकते हैं, जैसे नहीं आता है तो बरोदिल्ला अथवा बरल्ला भी आप बोल सकते हैं। तो कन्नड़ा आती है, आप बोलना चाहेंगे कन्नड़ा आती है तो कन्नड़ा बरुते, आप बोलेंगे कन्नड़ा आती है, कन्नड़ा भाषा आती है तो आप बोलेंगे कन्नड़ा बरुते, वही कन्नड़ा नहीं आती है तो बोलेंगे कन्नड़ा बरोदिल्ला अथवा कन्नड़ा बरल्ला भी आप बोल सकते हैं। तो बरल्ला थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग में है, तो कन्नड़ा नहीं आती है उसको कन्नड़ा बरल्ला करके आप बोल सकते हैं।
तो कन्नड़ा आती है कन्नड़ा बरते, कन्नड़ा नहीं आती है कन्नड़ा बरल्ला करके हम बोलेंगे। तो सब आता है तो अब बोलेंगे यल्ला बरते, तो सब को यल्ला करके बोलते हैं। तो सब आता है यल्ला बरते, कुछ नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है उसको येनु बरल्ला करके बोलते हैं। येनु बरोदिला अथवा येनु बरल्ला, तो कुछ नहीं आता है उसको येनु बरल्ला अथवा येनु बरोदिला भी आप बोल सकते हैं। तो सब आता है यल्ला बरते, कुछ नहीं आता है येनु बरल्ला। तो ये सब आता है तो आप बोलेंगे बहुत सारा काम है, तो एक सब काम आता है तो ये सब आता है आप बोलना चाहेंगे। तो कन्नड़ा में क्या बोलते हैं ये सब, उसको इदेल्ला करके बोलते हैं। तो इदु येल्ला तो उसको जोड़ के हम बोलेंगे इदेल्ला, तो ये सब इसको इदेल्ला बोलते हैं। कोई आता है बरुते, तो ये सब आता है इदेल्ला बरुते करके बोलते हैं। तो वही ये सब नहीं आता है तो बोलेंगे इदेल्ला बरल्ला करके बोलते हैं। इदेल्ला बरल्ला अथवा इदेल्ला बरोदिला भी आप बोल सकते हैं। तो ये सब, तो इदेल्ला नहीं आता है बरल्ला, तो ये सब नहीं आता है इदेल्ला बरल्ला करके बोलते हैं। तो वो सब आता है, तो वो सब आता है तो वो सब अदेल्ला, तो वो सब उसको अदु येल्ला तो छोटा करके बोलेंगे अदेल्ला। तो वो सब अदेल्ला आता है बरुते, तो वो सब आता है अदेल्ला बरुते, वो सब नहीं आता है तो बोलेंगे अदेल्ला बरल्ला करके बोलते हैं। अदेल्ला बरोदिला अथवा अदेल्ला बरल्ला भी आप बोल सकते हैं। तो वो सब उसको अदेल्ला नहीं आता है बरल्ला, तो वो सब नहीं आता है अदेल्ला बरल्ला करके बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आता है, तो थोड़ा थोड़ा आता है थोड़ा उसको स्वल्पा बोलते हैं। वही थोड़ा थोड़ा स्वल्प स्वल्प आता है बरुते, तो थोड़ा थोड़ा आता है स्वल्प स्वल्प बरुते। जैसे आपसे पूछा जाएगा कन्नड़ा आती है अब बोलेंगे थोड़ा थोड़ा आती है, तो कन्नड़ा में स्वल्प स्वल्प बरुते करके बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आती है स्वल्प स्वल्प बरुते, तो थोड़ा थोड़ा आता है या थोड़ा थोड़ा आती है तो बोलेंगे स्वल्प स्वल्प बरुते। वही ज्यादा नहीं आता है तो आप बोलेंगे हेच्चिगे बरोदिल्ला अथवा हेच्चिगे बरल्ला, तो ज्यादा उसको हेच्चु करके बोलते हैं। तो ज्यादा को हेच्चु भी बोलते हैं, जास्ती का भी प्रयोग होता है। तो ज्यादा नहीं आता है जास्ती बरोदिल्ला अथवा हेच्चिगे बरोदिल्ला करके बोलते हैं। तो इधर ज्यादा उसको हेच्चु करके बोलते हैं, तो ज्यादा नहीं आता है हेच्चिगे बरोदिल्ला अथवा हेच्चिगे बरल्ला भी आप बोल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आता है स्वल्प स्वल्प बरुते, ज्यादा नहीं आता है हेच्चिगे बरल्ला। तो अच्छे से आता है अब बोले अच्छे से आता है तो उसको चेन्नागी बरुते बोलते हैं। तो कोई भी चीज अच्छे से आता है तो अब बोलेंगे चेन्नागी बरुते, वही अच्छे से नहीं आता है तो अब बोलेंगे चेन्नागी बरल्ला करके बोलते हैं। तो अच्छे से नहीं आता है तो चेन्नागी बरल्ला, तो कोई भी चीज आपको अच्छे से नहीं आता है तो अब बोलेंगे चेन्नागी बरल्ला करके बोलते हैं। तो ठीक से आता है, तो ठीक से आता है तो सरियाग बरुते बोलते हैं। ठीक से आता है सरियाग बरुते, वही ठीक से नहीं आता है सरियागी बरल्ला, तो ठीक से नहीं आता है सरियागी बरल्ला करके बोलते हैं। तो ठीक से आता है सरियाग बरुते, तो ठीक से नहीं आता है सरियागी बरल्ला करके बोलते हैं। तो आता है या आती है उसको बरुते करके बोलते हैं, वही नहीं आता है या नहीं आती है उसको बरल्ला करके बोलते हैं। तो इधर मालूम है, तो मालूम है उसको गोत्तू बोलते हैं, नहीं मालूम में गोत्तिल्ला बोलते हैं। तो मालूम है गोत्तू, नहीं मालूम में गोत्तिल्ला। तो यही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कन्नड़ा मालूम है उसको कन्नड़ा गोत्तू बोलते हैं, कन्नड़ा मालूम है कन्नड़ा गोत्तू, वही कन्नड़ा नहीं मालूम है तो कन्नड़ा गोत्तिल्ला बोलते हैं। तो कन्नड़ा मालूम है कन्नड़ा गोत्तू, कन्नड़ा नहीं मालूम है कन्नड़ा गोत्तिल्ला, वही सब मालूम है येल्ला गोत्तू, सब मालूम है येल्ला गोत्तू, तो कुछ नहीं मालूम है येनु गोत्तिल्ला, कुछ नहीं मालूम है उसको येनु गोत्तिल्ला बोलते हैं। तो ये सब मालूम है तो इदेल्ला गोत्तू, तो ये सब मालूम है इदेल्ला गोत्तू, तो ये सब नहीं मालूम है तो बोलेंगे इदेल्ला गोत्तिल्ला करके बोलते हैं। ये सब नहीं मालूम है इदेल्ला गोत्तिल्ला, तो वो सब मालूम है तो अदेल्ला गोत्तू, तो वो सब मालूम है अदेल्ला गोत्तू, वो सब नहीं मालूम है अदेल्ला गोत्तिल्ला, वो सब नहीं मालूम है अदेल्ला गोत्तिल्ला। तो ये थोड़ा थोड़ा मालूम है स्वल्प स्वल्प गोत्तू, थोड़ा थोड़ा मालूम है स्वल्प स्वल्प गोत्तू, वही ज्यादा नहीं मालूम है उसको इच्छिगे गोत्तिल्ला बोलते हैं। ज्यादा नहीं मालूम है तो इच्छिगे गोत्तिल्ला, तो अच्छे से मालूम है
चेन्ना गोत्तु अच्छे से नहीं मालूम है चेन्नागी गोत्तिल्ला करके बोलते हैं। कोई ठीक से मालूम है तो उसको सरियागी गोत्तु बोलते हैं। ठीक से मालूम है सरियागी गोत्तु, वही ठीक से नहीं मालूम है सरियागी गोत्तिल्ला करके बोलते हैं। तो ठीक से मालूम है सरिया गोत्तु, ठीक से नहीं मालूम है सरियागी गोत्तिल्ला करके बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो दल्ली और सीखते हैं इन्नु कलियोना। तो नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो दल्ली इन्नु कलियोना। तब तक के लिए धन्यवाद।